हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुदरत। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सोनाली का 35। दोस्तों, इस ट्रैक्टर के साथ में ये जो पल्टी प्लाव लगा हुआ है, देख सकते हैं ये मैनुअल है, यानी कि इसको जब हमें पलटाना होता है तो ये हैंडल से इसको पलटाना होता है। देख सकते हैं इसका ये पूरा कनेक्शन। तो ये जो मैनुअल है, इसको हमें हाइड्रोलिक बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका कोई हाइड्रोलिक जैक वगैरह नहीं लगा है, और ना इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, जो इसका स्विच, वो भी नहीं है। तो उसमें हमें पूरा कनेक्शन नया फिटिंग करना है। जैसे कि इसका साइड में जो स्विच लगता है, उसका पूरा कनेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो सादा प्लाव है मैनुअल, देख सकते हैं ये हैंडल वाला, इसको ऐसे हाथ से पलटाना होता है बार बार। तो काफ़ी हमारे किसान भाइयों को दिक्कत होती है, क्योंकि हर बार इसको हर मोड़ पर पलटाना पड़ता है ना, और जब उसमें मट्टी जम जाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है, पूरा मट्टी निकालो उसके बाद। तो इसको जो मैनुअल है, इसको हमें हाइड्रोलिक करना है। तो उसका सिलेंडर जैक वगैरह मैं आपको कंप्लीट वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। देख सकते हैं अभी, तो उसकी जो लीवर की साइज है ना, वहाँ पर उसको हमें स्विच फिटिंग करना है। तो इसको हमें अच्छे से करना होगा, ताकि इसका जो भी सिस्टम है उसको ऑपरेट करने में हमारे किसान भाई को कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से इसका पूरा फिटिंग मेरे को करना है, और उसका जो स्पेयर हमने मंगवाया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका हाइड्रोलिक का सिलेंडर, ये जो मैनुअल है इसको हमें हाइड्रोलिक बनाना है। तो इसका ये स्पेयर है, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो स्विच लगेगा। तो ये पूरा नया फिटिंग हमें करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। मैं इसका पूरा फिटिंग जो मेरे को बनाना है, क्योंकि ये स्विच को फिट करने के लिए हमें ऐसे लोहे का प्लेट लिया है, इसको हम यहाँ से कट करके उसका पूरा स्विच का फिटिंग अच्छे से करना है। तो चलो, ये पूरा फिटिंग मैं कंप्लीट करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा लाइन कहाँ से लिया है, इनलेट कहाँ पे, आउटलेट कहाँ पे है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया था कि सोनाली का 35, जिसमें हमें रिवर्सिबल हाइड्रोलिक पल्टी प्लाव का स्विच फिटिंग करना है, और जो पुराना उसका प्लाव था, जो मैनुअल था, जो हाथ से पलटाने वाला, उसको भी हमने हाइड्रोलिक में कन्वर्ट किया है। तो वो सारा फिटिंग कैसे किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसमें ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फिटिंग किया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा। और मैंने उसमें पूरा फिटिंग वही रखा है, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसका मेन लाइन होता है ना, ये वाला जो उसका मेन डिलीवरी पाइप होता है, उसको बीच में से कट करके फिर उसको वेल्डिंग करवाते हैं। लेकिन मैंने कहीं पे भी वेल्डिंग का कोई इश्यू रखा ही नहीं है, इसको बिल्कुल कंपनी की तरह फिटिंग किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका ये डिस्ट्रीब्यूटर का फिटिंग कैसे होता है। ये वाला जो इसका मेन पाइप है, ये हाइड्रोलिक पम्प से, देख सकते हैं यहाँ से, ये वाला इसका जो हाइड्रोलिक पाइप है, ये तो पावर स्टीयरिंग का है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक पम्प का पाइप इधर से होते हुए ये जो आया, ये वाला पाइप, और ये पाइप कहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे होता है, जब ये स्विच नहीं लगा होता है। तो हमें क्या करना है, ये वाले पाइप को यहाँ से निकाल के, देख सकते हैं इस तरह से, मैं आपको करीब से दिखाऊं, देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको ये डिस्टेंस बना के, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एडेप्टर फिट किया है। तो ये जो मेन पाइप यहाँ पर लगता है ना, वही पाइप है, इसको हमें यहाँ से हटा लेना है और यहाँ से कनेक्ट करना है। और यही पाइप यहाँ से होते हुए, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की ओर स्विच में आगे की ओर आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर से आपको दिखाऊं, ताकि आपको और समझ में आए। देख सकते हैं जो मैंने दिखाया, वही पाइप सीधा यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर की आगे की साइड में। और उसके बाद उसका ये जो पाइप है, देख सकते हैं ये निकला, ये यहाँ पे आया, समझ गए ना। और वही पाइप यहाँ से होते हुए
वापिस हमें कहाँ फिटिंग कर देना है, यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे हमारा ये पहला पाइप लगा था, वहाँ पे हमें ये पाइप को ले आना है। देख सकते हैं ऐसे ये कनेक्शन को हमने उठा लिया और यहाँ से निकाल के हमने यहाँ पे दे दिया और वही कनेक्शन फिर यहाँ निकला। बस बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग ये चीज़ को छिपाते हैं ना, लेकिन अब्दुल कुरत आपको ये सारी चीज़ें खुल के दिखा रहा है क्योंकि आपका चाहिए था, आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरत आपको पूरी जानकारी खुल के दिखाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये काम अपने घर पे आप खुद कर सकते हो। तो ये पाइप को हमें, ये यहाँ पे आ गया उसका मेन लाइन जो पंप से आता है ना, उसको सीधा यहाँ ले लेना है और वही पाइप को वहाँ से लेके जो हमारा पहले पाइप लगा था ना, ये वाला हाइड्रोलिक वाला, बस उसी की जगह पे उसको फिट कर देना है। देख सकते हैं मैंने इसका फिटिंग कैसे किया है। यहाँ पे मैंने किसी भी जगह से पाइप को काटा नहीं है, ना कोई वेल्डिंग किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कभी भी हमें ये सिस्टम को निकालना है तो हमें ये पाइप नया लाने की ज़रूरत नहीं है, यही पाइप फिटिंग हो जाएगा। अगर हमने इसको कट करके वेल्डिंग कर दिया होता तो कभी भी हमें ये सिस्टम लगाना है वापस तो ये पाइप हमें नया लाना पड़ता, लेकिन हमने देखो इसको कहीं से भी कट नहीं किया है। तो देखा आपने, ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। ये पाइप गया, वही पाइप को वापस ला के यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद इसका ये दो लाइन है जो पीछे जाएगा प्लाव के साथ में, और ये डबल एक्टिंग, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये पलटी करेगा, ठीक है। अब मैं आपको प्लाव दिखाता हूँ कि प्लाव में हमें जो पुराना था, जैसा आपने आगे वीडियो में देखा होगा कि जो पुराना प्लाव था हाथ से पलटाने वाला, उसको हमने हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये स्विच का दो लाइन यहाँ पे निकला है ना, एक प्रेशर का एक वापसी का है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये पूरा फिटिंग। तो देखा दोस्तों, पहले इसमें ये हाथ से पलटाने वाला सिस्टम था, इसमें हमने ये हाइड्रोलिक स्विच लगा लिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस तरह से हमने ये पिन यहाँ पर वेल्डिंग किया और इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं उस साइड से दिखाऊं, देख सकते हैं आप। तो कम से कम कीमत में ये हमारा काम यहाँ पे हो गया है, देख सकते हैं दोस्तों। अगर यही रिवर्सिबल हाइड्रोलिक पल्टी प्लाव आप नया खरीदने जाओगे तो काफ़ी महंगा हो जाता है ना। तो किसान के पास में ये पुराना था तो पुराने की इतनी कीमत नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या किया, इसी में ये स्विच और ये डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम लगा के हमने पुराने को ही कम से कम लागत में इसको हमने रिवर्सिबल हाइड्रोलिक पल्टी प्लाव बना लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा इस तरह से हमने उसको वेल्ड किया है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सेटिंग बोल है, हमें प्लाव का सेटिंग किस तरह से रखना है। मैं कोशिश करूँगा कि जुटाई के दौरान हमें ये प्लाव का सेटिंग कैसे रखना होता है, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ जो टच हो रही थी, इसको भी हमने यहाँ से ग्राइंड करके देख सकते हैं यहाँ पे जगह बना लिया। तो इस तरह से हमने ये पूरा उसका फिटिंग किया है, हाइड्रोलिक स्विच का जो फिटिंग किया है उसका नाप कितना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसमें पहले मैनुअल था यानी हाथ से पलटाने वाला। देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये स्विच का पूरा कनेक्शन लगा हुआ था और यहाँ पर हैंडल था जैसे आपने आगे वीडियो में देखा, और उसका जो पुराना पिन था ना ये इस जगह पे था, तो इसको हमने यहाँ से काट के यहाँ से कट किया है और उसी की जगह हमने थोड़े आगे से वेल्ड किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्विच जो लगी है उसका ये जो पिन है, पिन के सिरे से लेके ये सिरे के मिडल तक है ना, ये कितना इंच है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लगा उठो यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमने इसको सिरे से नापा है और यहाँ पर ये 21 देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये 21 इंच तो इतना हमें उसका नाप रखा है। तो अब मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके उसको चला के भी दिखाता हूँ और ये पूरा यानी इसका ये
हाइड्रोलिक जैक यानी इसका ये स्विच और ये डिस्ट्रीब्यूटर स्विच, और ये पूरा फिटिंग के साथ में हमें कितना खर्च यानी कि कितनी लागत हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मैं पहले ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों ये कम से कम लागत में जो नया लेने के लिए जाते हमारे किसान भाई तो ये काफ़ी महंगा हो जाता, तो उनके पास में जो पुराना प्लाव था उसी को हमने ठीक करवा लिया है। हाँ तो दोस्तों अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और उसका ये हाइड्रोलिक का सिस्टम, जैसे इसका जो मेन कंट्रोल लीवर है ये, इसी से हमने इसको उठाया देख सकते हैं, और ये हमने इसको डाउन किया। इसी तरह से हमने ये इसको रेड लीवर से उठाया यानी ड्राफ्ट लीवर से, और ये डाउन किया, तो ये दोनों लीवर हमारे उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। तो अभी हमने इसको ये आधा उठा लिया देख सकते हैं, उसके बाद हमें इसको ऑपरेट करना है। तो ये वाला जो इसका स्विच है पीछे की ओर दबाना है ऐसे, तो देख सकते हैं बआसानी बिल्कुल कंपनी की तरह ये काम करता है। ये हमने इसको छोड़ दिया, दोबारा से हमें इसको पीछे की ओर दबाना है ऐसे, देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये वापस हमने छोड़ दिया। ये डबल एक्टिंग स्विच है देख सकते हैं, यहाँ पे वापिस हमने किया बिल्कुल कंपनी की तरह देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखा दोस्तों ये बिल्कुल कंपनी की तरह हमने इसको बना लिया है। तो अब हम ट्रैक्टर को बंद करते हैं और अब हम बात करेंगे कि इसमें कुल कितना खर्च यानी कि कितनी लागत हुई। तो ये हमारे दोस्त, आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा, ये पुनीत पटेल, ये हमारे काफ़ी करीबी दोस्त है और इन्हीं का ये ट्रैक्टर और ये प्लाव। तो अब इन्हीं से जानते हैं कि टोटल इसमें कितना खर्च आया। अगर आपको अब्दुल कुरेट बताएगा तो शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारे जो दोस्त है ये हमने कहाँ से ख़रीदा और कितने में ख़रीदा और उसका पूरा फिटिंग के साथ हमें कितना खर्च आया वो हमारे दोस्त खुद बताएंगे। तो पुनीत भाई पहले तो आपका परिचय दो और बताओ कि इसमें कितनी लागत हुई। मैं पुनीत भाई पटेल, ये जो सामान मंगवाया हमने जेक और डिस्ट्रीब्यूटर राजकोट से वो 12,500 प्लस जीएसटी, और जो ये जो इसका प्लेट वगैरह, हाँ प्लेट, ये जो नट बोल्ट रहता है, पिन, ये सब मिला के 2,000 का हुआ। यानी जो वेल्ड का काम किया वो, अच्छा अच्छा मैं बोलता हूँ चलो। तो देखो ये इसका जो जो पिन बनाया एक उपेक नीचे, और इसका ये बोल्टिंग और इसका ये प्लेट दोनों और हमने लगाया, यानी जो वेल्ड का काम किया वो तकरीबन 2,000 के करीब खर्च हुआ। हाँ 2,000 के करीब। उसके बाद ये इसका सिलेंडर, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर का जो स्विच, और ये पूरा कनेक्शन देख सकते हैं ये लाइन का आगे का दो लाइन, वो कुल मिला के कितना बताया पुनीत भाई आपने? 12,500 प्लस जीएसटी और ट्रांसपोर्टिंग अलग से होता है। और ये हमारे गुजरात राजकोट से हमने मंगाया, लॉरवेंस कंपनी का है। अच्छा अच्छा और ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से उसकी कीमत होती है, लेकिन ये हमारे गुजरात का प्राइस हमने आपको बताया। तो आपने देखा हमारे दोस्त ने इसको बेचना चाहा, बोले इसको बेच देते हैं और हम नया रिवर्सिबल पल्टीप्लाव खरीद लेते हैं। तो तकरीबन उसका कितना प्राइस बताया था आपको? 55 से 60 हज़ार नए का कीमत बताया। तो हमने क्या किया, पुराने की कीमत इतनी मिल नहीं रही थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो पुनीत भाई हम इसी में ही जुगाड़ करके कुछ बनाते हैं। तो जुगाड़ नहीं, ये बिल्कुल कंपनी की तरह हमने फिटिंग किया है, जैसे मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया, मैंने कोई कनेक्शन को काटा नहीं है। और आपने देखा ये ऑनर के सामने हमने इसको चला के दिखाया, ये हमारे काम से संतुष्ट है। अब हम क्या करेंगे, खेत में ले जाके उसकी जुताई करके भी दिखाएंगे आपको, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो कम से कम लागत में कुल मिला के कितना खर्च हो गया? 12, 13, 14, 15 हज़ार 12,500 जो सामान का और ट्रांसपोर्टेड अलग, 2,000 ये, हाँ 16,000 पकड़ लो यार टोटल मिला के। तो हमने 16,000 में यानी कम से कम लागत में सादा जो मैनुअल प्लाव था हाथ से पलटाने वाला, उसको हमने रिवर्सिबल हाइड्रोलिक पल्टी प्लाव बना लिया केवल 16,000 में। तो हमारे दोस्त को काफ़ी फ़ायदा हो गया।
और ये बिल्कुल कंपनी की तरह काम करेगा। तो पुनीत भाई, आपको ये क्या लगा, इसका जो काम करने का तरीका है, आप उसे संतु से? हाँ, यस यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खटा गलती है तो बता दो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलो जुटाई में ले जाके देखते हैं ना, ओके, कि उसमें कितना दम है। तो चलो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हम जाते हैं उसको खेत में लेके जुटाई करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हम सोनाली का 35 जिसका हमने हाइड्रोलिक पल्टी प्लाव का जो फिटिंग किया है उसका हम जुटाई में टेस्टिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये हाइड्रोलिक की जुटाई, और देख सकते हैं ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री, कोई भी लोड नहीं है ट्रैक्टर पे, और इसकी खुदाई देख सकते हैं आप कितनी गहराई ले रहा है, देख सकते हैं, और ट्रैक्टर का टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी गहराई भी देख सकते हैं, इसकी ये जो गहराई की क्षमता और उसकी जो खिंचाई है ना, बहुत ही बढ़िया है, ट्रैक्टर का टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ट्रैक्टर ने कम से कम 3-4 राउंड लगा लिया है, ट्रैक्टर बिल्कुल खुल के चलता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्तों उसकी ये गहराई, ट्रैक्टर पे बिल्कुल भी लोड नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। और आप उसकी गहराई भी देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसकी गहराई, काफी गहरा है, देख सकते हैं दोस्तों यहां पे आप, ट्रैक्टर बिल्कुल भी दबता नहीं है, ना कोई धुआं, देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, ट्रैक्टर पे कोई भी लोड नहीं है, देख सकते हैं बा आसानी ट्रैक्टर, और देख सकते हैं उसका ये गहराई कितना लेता है, ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्तों ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री चल रहा है, ना कोई धुआं, ना टायर का स्लिपिंग, देख सकते हैं यहाँ पे टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है। और यहाँ पे आप इसकी गहराई आप खुद देख सकते हो कि प्लाव की गहराई कितना है, देख सकते हैं दोस्तों प्लाव पूरा का पूरा जमीन में धंसा हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी ये हाई फर्स्ट में, ये ट्रैक्टर भी हाई फर्स्ट में चल रहा है, एक नंबर गियर में चल रहा है हाई के, देख सकते हैं इसकी गहराई। लेकिन दोस्तों अगर आपको पल्टी प्लाव में चलाना है तो उसको लो में चलाओगे ना, ट्रैक्टर जितना धीरा चलेगा उतना ही बेटर उसकी खुदाई होगी, क्योंकि तेज भगाने से क्या होगा, इतनी गहराई नहीं लेगा, क्योंकि सेंसिंग की क्षमता बढ़ जाती है ना हाइड्रोलिक की, तो धीरा चलाने से उसकी जो खुदाई है ना वो अच्छी होती है। तो अभी हम लो में भी चला के दिखाएंगे, लो चौथे नंबर में भी चलता है बिल्कुल आसानी से। अब ये लो के 4 में चलाएंगे, 4 नंबर लगाओ लो का। हाँ तो दोस्तों ये अब आ रहा है, यहाँ पे हमने लो 4 गेट में लगाया है, तो देख सकते हैं दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, ये लो के 4 नंबर में चलता है, देख सकते हैं दोस्तों उसकी ये गहराई, तो ये लो के 4 नंबर में, तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और सेंसिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे।
देख सकते हैं दोस्तों उसका सेंसिंग। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम जल्दी मिलेंगे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।